दारुल उलूम गरीब नवाज असरफिया बॉम्बे कॉलोनी में दावत इफ्तार और इज्तमाई दुआ की गई है। यहाँ पर पिछले 35 सालों से हर साल 20वें रोजे की इफ्तार दावत शहर के तमाम लोगों को दी जाती है। इस मौके पर मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब और ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई दिलीप पाटिल साहब, इसके अलावा सैयद अली अशरफ भाई साहब और शहर भर से उलमा इकराम, सियासी और सामाजिक लोगों के साथ साथ आम आवाम भी इसमें शामिल थी, जहां पर मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब ने दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ की और जो हालात इस वक्त देश भर में चल रहे हैं उसके खात्मे के लिए भी यहां पर खुशूसी और इज्तमाई दुआ की गई। देखिए, मुमरा जो है ये अक्सर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और मुमरा में पूरे हिंदुस्तान से लोग आके आबाद हुए हैं। बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की ये, और ख़ास तौर पर वो मुसलमान जो कहीं मकान लेने के बम्बई में, जाहिर है आप जानते हैं कि बम्बई में मकानात बहुत महंगे हैं, तो जिसको कहीं मकान के लिए कहीं गुंजाइश नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फल से उसके लिए मुमरा जो है वो अपना दामन खोले हुए है। तो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमान जो है वो यहाँ आबाद हैं। बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है यहाँ, और यहाँ के मुसलमानों की ख़ूबी ये है कि वो रमज़ान के मौके पर आम मुसलमानों के लिए इफ्तार का अहतमाम करते हैं। गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की मुमरा के मुसलमान बड़ी तादाद में मदद करते हैं। अभी कोविड में जब क़यामत सुग़रा थी, नफसी थी, तो मुमरा के गरीब मुसलमानों ने दिल खोल के गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, परेशान हालों को ताउन किया। तो ये मुमरा की अपने आप में एक बहुत बड़ी ख़ूबी है। यहाँ आम तौर पर लोग मसाजिद में इफ्तार का अहतमाम करते हैं, मदारिस में अहतमाम करते हैं, सड़कों पर अहतमाम करते हैं। हद तो हद ये है कि वो मुलाजमीन जो बम्बई में काम करते हैं उनके लिए ट्रेनों में इफ्तार का अहतमाम करते हैं। एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो प्लेटफॉर्म पर रोज़ा खोलता है और प्लेटफॉर्म पर रोज़दारों को इफ्तार पहुँचाता है। तो ऐसा हसीन और ऐसा बारौनक मंज़र जो है ये आपको मुमरा में ही देखने को मिलेगा। और आखिरी अशरे की आज पहली शब है, ये मुक़दस शब में आपके चैनल के ज़रिए लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस मुक़दस शब में ज़्यादा से ज़्यादा, ये लैलतुल क़द्र की शबें हैं और इसकी बेपनाह फ़ज़ीलतें हदीस पाक में आई हैं। ये मुक़दस शबों में मुसलमानों से गुजारिश है कि वो कसरत से अल्लाह की इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के अपने लिए और उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, ख़ास तौर पर बीमारों की शिफायाबी के लिए दुआ करें, ज़रूरतमंदों की परेशानियों से नजात के लिए दुआ करें, वो लोग जो क़ैद की सऊबतों से दो चार हैं उनकी रिहाई के लिए दुआ करें, उन इलाक़ों में जहाँ ज़ुल्म व ज़्यादती इंतहा पर है वहाँ के लिए दुआ करें, ज़ालिम हुकुमरानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहर व गज़ब नाजिल फ़रमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमानत अता फ़रमाए।